हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर यूट्यूब चैनल माय सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। करंज पनडुब्बी का निर्माण किसने किया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा करंज पनडुब्बी का निर्माण किया गया। करंज पनडुब्बी तीसरी पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी की, जो नौसेना में शामिल की गई है। ये अंडर वाटर और ऑन द सरफेस, जमीन पर भी मार कर सकती है और पानी में भी। इसके पास दो शक्तियां हैं, टॉर्पीडोज और एंटी शिप मिसाइल्स। टॉर्पीडोज भी ये दाग सकती है और एंटी शिप मिसाइल भी इसकी खासियत है। INS करंज जो है वो तीसरी पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी की। इससे पहले INS कलवरी और INS खंदेरी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। INS करंज पर अब बहुत ही एक्सटेंसिव टेस्ट किए जाएंगे एक साल तक, उसके बाद इसे नौसेना को दे दिया जाएगा। INS करंज का नाम जो है वो एक आइलैंड के नाम पर दिया गया है, जिसे उरन आइलैंड भी बोलते हैं। इस पर नौसेना का एक स्टेशन बना हुआ है उरन आइलैंड पर। इससे पहले जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां दी गई हैं, उसमें कलवरी का नाम जो है वो इंडियन टाइगर शार्क के नाम पे है, जो हिंद महासागर में पाई जाती है। और खंदेरी ये एक आइलैंड है जिस पर शिवाजी महाराज का किला बना हुआ है। शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का जनक कहा जाता है, उन्होंने पहली बार नौसेना बनाई थी, इसलिए उनको एक तरह से ट्रिब्यूट देते हुए INS खंदेरी नाम दिया गया है। जो खंदेरी आइलैंड है उस पर शिवाजी महाराज का किला अब भी स्थित है। तो ये तीन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, INS कलवरी, INS खंदेरी और INS करंज। 65.2 मीटर भाला फेंककर देवेंद्र झाजड़िया का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सुंदर गुजर। सुंदर गुजर द्वारा देवेंद्र झाजड़िया का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि दोनों ही प्लेयर पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ये दिव्यांग प्लेयर हैं दोनों। और देवेंद्र झाझड़िया ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2016 के रियो ओलंपिक्स में बनाया था। देवेंद्र झाझड़िया ने 63.97 मीटर का भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता रियो ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक्स जो 2016 में हुए थे। अब सुंदर गुजर ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स जो फाजा दुबई में होनी है, उसके ट्रायल के लिए बहालगढ़ सोनीपत जो साई सेंटर है वहां पर 65.2 मीटर का भाला फेंककर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स दुबई फाजा में होनी है, उसकी तैयारी के दौरान ये उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। इसके साथ ही जो सुंदर गुजर हैं वो तीन कैटेगरी में खेलते हैं पैरा एथलेटिक्स में, एक तो जेवेलियन थ्रो, दूसरा डिस्कस थ्रो और तीसरा शॉट पुट। इन तीनों के लिए ही इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। साथ ही ये डिस्कस थ्रो में भी वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं, जिसकी रैंकिंग अभी अपडेट नहीं हुई है। इन्होंने 49.32 मीटर की डिस्कस थ्रो फेंक कर ये रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने मेरिट बेस्ड वीजा देने की पहल शुरू की है? अमेरिका। अमेरिका द्वारा मेरिट बेस्ड वीजा जो है अब दिया जाएगा। मेरिट बेस्ड वीजा में दो टीयर होंगे, जिसमें 100-100 का जो है एक टीयर होगा, 100 मार्क्स फॉर ईच टीयर, जिसमें पॉइंट्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये जो है इससे मेरिट बनेगी और उसके आधार पर वीजा जो है मिलेगा। प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 वीजा अमेरिका में अप्लाई किए जाते हैं। भारत का प्रथम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का प्रथम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 83 करोड़ का जो है बजट में प्रावधान किया गया है। ये
जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए, कम्युनल कंटेंट सर्कुलेशन को रोकने के लिए, और साथ ही जो अवांछित सामग्री नेट पर इंटरनेट पर डाली जाती है उसको रोकने के लिए ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने 63 किलो महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राखी हलधर। राखी हलधर द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 128 किलोग्राम वजन उठाकर कर्णम मल्लेश्वरी के 1999 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब जो है 63 किलो वर्ग में ये राखी हलधर द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड है, जो 33वें वुमन सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो मंगलुरु में हुई थी वहां पर ये इन्होंने किया। इस प्रकार से राखी हलधर ने 127 किलोग्राम, कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने एथेंस 1999 में ये कारनामा किया था उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 128 किलोग्राम वजन उठाकर 33वें वुमेन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और कर्णम मल्लेश्वरी के रिकॉर्ड को तोड़ा। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है? श्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एग्जाम वॉरियर्स जो स्टूडेंट्स के लिए बुक लिखी गई है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा काफी पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें सोशल हार्मनी, ज्योति पुंज, इंडियाज सिंगापुर स्टोरी, मन की बात, ए सोशल रिफॉर्म थ्रू रेडियो, ए जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, ये सब किताबें नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये पहली किताब है जो सिर्फ स्टूडेंट्स को समर्पित है, स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, एग्जाम वॉरियर्स श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। असम के गुवाहाटी शहर में किस देश का वाणिज्यिक दूतावास खुला है? भूटान। भूटान का वाणिज्यिक दूतावास जो है वो गुवाहाटी में खोला गया है। ये प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है कि भूटान का वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खुला है, असम के गुवाहाटी शहर में, या जिस प्रकार से हमने ये प्रश्न लिखा है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। किस राज्य में भूस्थानिक विश्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 जीता है? ओडिशा। ओडिशा द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है जो खनिज उत्पादन, परेषण और मूल्य पर नजर, ये तीन चीजें जो हैं I3MS वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर द्वारा उड़ीसा राज्य ने की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वैश्विक भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 दिया गया। ये पुरस्कार जो है 2007 में शुरू हुए थे। इन्हें जियो स्पेशल वर्ल्ड एक्सीलेंस अवार्ड्स भी कहा जाता है। इन पुरस्कारों का आयोजन, इस समारोह का आयोजन तेलंगाना में किया गया था। भारत खेल प्राधिकरण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीलम कपूर। नीलम कपूर जो है वो 1982 बैच की IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बैच से हैं और इन्हें राहुल, ये जो हैं राहुल भटनागर को रिप्लेस करेंगी। राहुल भटनागर जो इससे पहले भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल थे। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में स्थापित है। भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नीलम कपूर। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला यामीन या यामीन अब्दुल गयूम। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि मालदीव में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी विवाद चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने 15 दिन के लिए मालदीव में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मालदीव में आपातकाल लगाया गया है और इसी टकराव के परिणाम स्वरूप अब मालदीव की सरकार जो है वो ये चाहती है कि भारत इसमें मध्यस्थता करे और इस टकराव को खत्म करने में मालदीव की सहायता करे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माय सक्सेस पॉइंट चैनल की तरफ से,
जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आइए एक बार इनका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला यामीन या यामीन अब्दुल गयूम। भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक किसे बनाया गया है? नीलम कपूर। किस राज्य ने भूस्थानिक विश्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 जीता है? ओडिशा ने। और ये इनको इनके सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर i3ms द्वारा खनिज उत्पादन, प्रेषण और मूल्य पर नजर के लिए दिया गया है। असम के गुवाहाटी शहर में किस देश का वाणिज्यिक दूतावास खुला है? भूटान का। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अन्य पुस्तकें भी हैं, सोशल हार्मनी, ज्योति पुंज, इंडिया सिंगापुर स्टोरी, ए जर्नी, पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, और एक और पुस्तक है मन की बात, ए सोशल रिफॉर्म थ्रू रेडियो। राष्ट्रीय किस भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी ने 63 किलो महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राखी हल्दर। इन्होंने 128 किलोग्राम वजन उठाकर 33वें वुमन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन मंगलुरु में किया गया था, वहां पर कन्नमलेश्वरी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 127 किलोग्राम वजन उठाया था एथेंस में 1999 में। भारत का प्रथम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनको रोकने के लिए, वेब बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, कम्युनल कंटेंट सर्कुलेशन और अन्य अवांछित सामग्री जो इंटरनेट पर डाली जाती है। किस देश ने मेरिट बेस्ड वीजा की पहल की है? अमेरिका। अभी ये संसद में है, उस पास होने के बाद ये जो है लागू कर दिया जाएगा। 65.2 मीटर भाला फेंक कर देवेंद्र झाझड़िया का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सुंदर गुजर ने। देवेंद्र झाझड़िया 63.97 मीटर का भाला फेंक चुके हैं रियो ओलंपिक्स 2016 में। अब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री जो फाजा दुबई में होनी है, उसके ट्रायल के दौरान बहालगढ़ साई सेंटर में सुंदर गुजर ने 65.2 मीटर का भाला फेंक कर ये रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही सुंदर गुजर जो है वो डिस्कस थ्रो और शॉट पुट के भी खिलाड़ी हैं, इसमें भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। डिस्कस थ्रो में भी ये नंबर 1 बन गए हैं। ये दोनों ही प्लेयर जो हैं वो पैरा एथलेटिक्स में हैं, दिव्यांग प्लेयर हैं। करंज पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है? मजगांव टॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। करंज जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले कलवरी, INS कलवरी, INS कंदेरी भी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। आपका रिस्पॉन्स हमें कमेंट्स के रूप में मिल रहा है, जो काफ़ी सराहनीय है, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही इसी प्रकार से यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उसी प्रकार का वीडियो प्रेजेंट कर सकें। धन्यवाद।